नमस्कार, मैं हूं क्राम सोलंकी। आप देख रहे हैं निमाड़ का दबंग न्यूज। ठिकरी में पिछले दिनों तहसील कार्यालय ठिकरी के ब्राह्मण गांव के किसानों ने भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों से मिलकर पटवारी निर्मल मोदी द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दर्ज करवाई थी। वहीं इस संबंध में तहसीलदार और पटवारी द्वारा रिश्वत नहीं लिए जाने की बात मीडिया के सामने कही थी। शनिवार की शाम को भारतीय किसान संघ द्वारा सोशल मीडिया पर ऑडियो और वीडियो वायरल किया है, जिसमें बताया गया है कि तहसील कार्यालय में पदस्थ रहे कंप्यूटर ऑपरेटर गौरव राठौड़ द्वारा किसान जयदीप पटेल से कथित रूप से 7,000 की रिश्वत मांगी जा रही है। भाई फिर पैसा ना को कैसे देख ले यार, तुमको बता तो दिया था मैं। फिर भी यार कैसे लिखता हूँ, मोदी पटवारी मेरा ज़्यादा नहीं करवा देगा। पटवारी 2,000 मिला, कितना मिलेगा? 2,000। अभी 2,000 पटवारी देगा, 2,000 साहब ले लिया, कितना देगा? 1,012 ही साहब लेगा, कितना ले जी दावन साइन करी 5,000। 1,000 वो रीडर भाजी लेगा, कितना बीघा? 6 है नहीं, 1,000 जिन अपडेट करे नक्शो ने ये नकल वो लेगा, कितना बीघा? 7,000। अब हमारा तो कुछ मिला ही नहीं हो काम। चलो मनीष ले, तू आठ बता, तू अब तू बोल रहा, तू देख ले पूरा हिसाब से बताओ काम। मैंने मैंने कहीं परेशान करे तू ये बता, इन्हें मगर फाइल दी, ये परेशान नहीं हो, कई जगह परेशान भी हो, एक मिनट भी परेशान नहीं हुई हो। ये बोल दे मगर गौर मई विक्रम भैया ना 5,000 तो हमको दिया, कितना दिया? कितना दी विक्रम भैया? हमको दिया मतलब तत्काल करना का लेन, क्योंकि 2 तारीख को दौड़ाए हो, कितनी बार दौड़ाए? 2। क्योंकि गौर वहाँ दौड़ा था, तू देख ले यार फाइनल कर दो। मैं भैया देखो ऐसी ऐसी बात है गौर, आप भी ले लो, उन्होंने पैसा को दीजिए, मतलब कल तारीख थी है ना, 3 तारीख में क्या काम, फिर अगली तारीख में बुलाया हो, फिर लेने आया मैं तत्काल साइन करी 5 दिया ना, फिर उन्होंने बोले पटवारी को देख लूँगा, पटवारी ने अलग दिया, तो पटवारी ने 5,000 ले लिया अलग से, मान जो आदि टीचर से तो दिया जो उन्होंने भी। चलो कल कहाँ मिलो तो? अभी लाए नहीं? नहीं अभी पप्पा जा रहे यार, पप्पा आओ कहीं से हम लोग, तो तुम कहाँ मिलो कल? तुम देने वहाँ मत आ जाए, विजय कर दी दे एक हाँ, तो वहाँ भी बाहर गए अरे यहाँ दी दे जी, हाँ हाँ हमारा पास से पैसा दे दूँगा वहाँ, हमें इसलिए पड़े थे नहीं हम लोग जाए, पप्पा फोन लगाया तुमने, कल फोन लगाया था नहीं, कल भी लगाया था अरे लीने रख लेने को नहीं, मैंने कल भी लगाया था हाँ मैं देख काम करो पप्पा वाला नंबर ले लो, वो कई बात करो पप्पा से, अपने लेन देन की बात हुई नहीं तो अपन हमारा चेंज नंबर दे नंबर, कल आओ पप्पा वहीं से तो यहाँ जल्दी देवा दूँगा, देव दाम ना तो पप्पा दाम ना अच्छे वहीं से आओ दूँगा, वहीं से मोबाइल लगा दूँगा बाहर पप्पा पप्पा देगा हाँ, चलो यहाँ देवा दे हाँ आएगा। जिसमें श्री राठौड़ द्वारा पटवारी के लिए 2,000 रुपये, साहब के 2,000, आरआई रीडर और ऑपरेटर के लिए 1,000 की रिश्वत मांग रहा है। अब देखना यह है कि कथित दलाल सहित तहसील कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों पर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा कितनी कार्रवाई कर पाते हैं। वही इस संबंध में एसडीएम अभय सिंह ओहरिया का कहना है। गौरव राठौड़ नाम का कंप्यूटर ऑपरेटर किस समय में वहाँ पर तहसील ठिकरी में काम करता था, और वर्तमान में वो उसकी जो सेवा अवधि समाप्त की जा चुकी है बता रहे हैं, और जो वर्ष 2018-19 में ही उसको तहसील कार्यालय से निकाला जा चुका है, और ये हमारे यहाँ का कोई कर्मचारी नहीं है। और ये जो बाहर क्या बात कर रहे हैं, तो मैं किसान बंधुओं से ये निवेदन करूँगा कि किसी के बहकाव में आके किसी को कुछ राशि देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सास की कार्य है नियमानुसार, और सभी के नियम बने हुए हैं नियमानुसार सब कार्य होते हैं, और उसमें किसी भी प्रकार की फीस वगैरह नहीं लगती। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति द्वारा इतनी दबंगाई से किस प्रकार से किसानों से अवैध वसूली के रूप में रिश्वत ली जा रही है। अब राजस्व विभाग क्या कार्रवाई करता है, यह भी पब्लिक जानना चाहती है।